पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भांगर में हुई हिंसा के मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। वहीं इससे पहले हाईकोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन कल नामांकन करने से रोके गए इन 60 उम्मीदवारों से आयोग को नामांकन लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया था। और एक ही चरण में पंचायत चुनाव अब 8 जुलाई को होने हैं। पंचायत चुनाव 15 जून नामांकन भरने का आखिरी दिन है। ये हम पूरी आपको बता रहे हैं जो जिस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ेगा। 11 जुलाई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में कुल 63,329 सीटें हैं। पंचायत समिति की 9,730 सीटें, जिला परिषदों में कुल 928 सीटें। ग्राम पंचायत चुनाव केंद्रों की संख्या 58,594। करीब 5,67,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता पूजा मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं कलकत्ता से। पूजा, हिंसा जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि अगर चुनाव होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, मैंने ये सवाल आपसे कल भी कहा था, पंचायत का हो, हिंसा होना तय है। लेकिन आज राज्यपाल का मौके पर पहुंचना क्या माना जाए? जगदीप धनखड़ की तरह एक बार फिर राज्यपाल और ममता बनर्जी जो है वो आमने सामने आ जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल शोभना, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की जो कानूनी व्यवस्था है उसको लेकर जो है किसी के भी मन में कोई संशय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कोई भी चुनाव हो यहाँ पर हिंसा होती रही है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं पंचायत चुनाव के जब नामांकन दाखिल हो रहे हैं तब भी इस तरह हिंसा हो रही कि दो लोगों की जान जा चुकी है। कल दक्षिण 24 परगना के भांगौर इलाके में जब सुबह से लेकर शाम तक लगातार कई घंटों तक हिंसा होती रही, गोलियां बरसाई गई, बम फेंके जो है गए और घंटों तक जो है पुलिस आंख मूंद कर दर्शक बनी खड़ी रही, बिल्कुल भी आगे आकर उस हिंसा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और आज इसी इलाके में जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस पहुंचने वाले थे, हाई प्रोफाइल विजिट होने वाली थी, तो उससे पहले कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं दिखा। आपको बता दें कि उस इलाके में कई ऐसे देसी बम वहां पर थे, तो वहां पर पुलिस से पहुंचकर ना ही तो इलाका सैनिटाइज किया था, ना ही देसी बम को बरामद कर जो है डिफ्यूज किए गए थे। ये तमाम चीजें तब होती है जब राज्यपाल की विजिट खत्म हो जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुलिस जब कल वहां पर मौके पर होने के बावजूद हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन आज जब हाई प्रोफाइल विजिट होती है राज्यपाल की, तब क्यों उसी इलाके में बम पड़े हुए थे जिन्हें रिकवर कर डिफ्यूज भी नहीं किया गया, क्योंकि काफी डेंजरस हो सकता था। कोई वहां पर अगर स्थानीय लोग को जो है वहां पर घायल हो सकते थे, किसी की जान जा सकती थी, और गवर्नर की विजिट को देखकर भी ये बेहद डेंजरस साबित हो सकता था। लेकिन ये सारा काम किया जाता है गवर्नर के विजिट के बाद। बिल्कुल, जाहिर सी बात है पूजा की पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। हम आपको बता दें वहीं बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूं कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी। ममता ने कहा कि कांग्रेस संसद में हमारा सहयोग चाहती है, हम बीजेपी के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार है, लेकिन सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने ना आए। आज के तुम्हारा बोल जो बांग्लाई शांति नहीं, किसे शांति? सीपीएम अमरे कौन शांति चिलो? शोषणेर शांति? कांग्रेस अनेक राज्य चालिए चो, सीपीएम सबसे बड़ दोषर, और बीजेपी बड़ दोषर, और पार्लामेंटे अमरे सहाज्य चाओ,